45 दिन का लॉकडाउन किया सक्सेसफुली, हम्म, वो एक बहुत सेंसिटिव एरिया हो गया है और कोरोना का फैलाव बढ़ने की संभावनाएं जस्ट मेरे नजरों में 5 गुनी हो गई। गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गोयल साहब, इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है, पूरे विश्व जिस चीज से करा रहा है, वो है कोरोना या COVID-19 वायरस का हमला। एक तरह से इसे तीसरे विश्व युद्ध के रूप में देखा जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज इसके साथ जो जुड़ी हुई है कि हर युद्ध के बाद जो सबसे बड़ी समस्या या संकट समाज के सामने, राष्ट्र के सामने या विश्व के सामने खड़ा होता है, वो है आर्थिक संकट। अर्थव्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो जाती है। ये युद्ध के दौरान दिखाई देने लगती है और युद्ध खत्म होने के बाद में वो अपने चरम पर होती है। कोरोना वाले मामले में भी अब ये चीज साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। क्या आपको भी आसन्न संकट सामने खड़ा हुआ अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के लिए दिखाई दे रहा है कि जो वर्तमान में आज की जो स्थिति है हमारे भारतवर्ष में, हम सबसे कम प्रभावित हैं। जिस तरीके से यूएसए है, ब्रिटेन है, इटली है, फ्रांस है, जितना प्रभाव वहाँ पे है उसकी तुलना में हमने समय पर लॉकडाउन की, संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करके उसको काफ़ी हद तक रोका है। कुछ सरकार ने निर्णय लिए हैं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, जैसे कि मजदूरों को जो दूसरी जगह पिछले 4-5 साल से दूसरे स्टेट में जिसको अपनी आजीविका के लिए वहाँ पे काम कर रहे थे, उस स्टेट की डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ स्टोरी में, उसके एक्टिव में पार्टिसिपेशन थे वो लोग, बिल्कुल उनको उनके मूल गृह राज्य में और जिले में उनकी वापसी सरकारें आपस में सलाह करके कर रही हैं। इसके कारण से भारतवर्ष जो है, जो हमने 45 दिन का लॉकडाउन किया सक्सेसफुली, वो एक बहुत सेंसिटिव एरिया हो गया है और कोरोना का फैलाव बढ़ने की संभावनाएं जस्ट मेरे नजरों में 5 गुनी हो गई। अच्छा, अब हकीकत तो जो है आने वाले 15 दिन बाद हमें पता चलेगा कि क्या स्थिति है। अच्छा। मगर पिछले तीन दिनों के आंकड़े देखते हैं तो जो डेली मरीजों की संख्या है, पहले हजार मरीज हमारे देश में कोरोना के नए शामिल हो रहे थे, अब 3,000 से 3,500 मरीज डेली शामिल हो रहे हैं। ये बहुत ही हमारे लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल। और दूसरा, जो मजदूर 5-6 साल से किसी राज्य में काम कर रहा है, तो वहां उसके पास रहने को व्यवस्था है, काम अभी चूंकि लॉकडाउन है तो किसी के पास में नहीं है, और हमारी सरकारों के पास इतना सरप्लस अनाज के भंडार है कि उनको लॉकडाउन पीरियड में खाने के लिए मुफ्त में अनाज उपलब्ध करा सकती है। और हमारे देश में समाज सेवी संस्थाएं बहुत बखूबी इस काम को अंजाम दे रही हैं और वो इसमें कंधा से कंधा मिला करके लोगों को भोजन रेडी टू ईट और अनाज और अन्य सामग्री उपलब्ध करा रही है। सबसे ज्यादा निर्माण कार्य में माइग्रेंट लेबर है, तो निर्माण कार्य जितने भी है सब में ठप पड़ जाएंगे, क्योंकि जो माइग्रेंट लेबर है वो उसमें एक्सपर्टीज वाले लेबर भी है, स्किल लेबर भी है। बिल्कुल। तो वो स्किल लेबर जब अपने गृह ग्राम चले जाएंगे जी, तो वो हमारे हिसाब से कम 1 साल तक वो वापस लौटने वाले नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 साल तक हम किस दौर से, हमारे उद्योग धंधे, हमारे निर्माण कार्य किस दौर से गुजरेंगे। जब ये सब एक्टिविटीज नहीं होंगी तो आप उसका सीधा सीधा राजस्व पर और अर्थव्यवस्था पर और हमारी GDP पर पड़ेगा। तो क्या इसका असर जो है नरेगा मनरेगा जैसी योजनाओं पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ का लेबर जाएगा वो निश्चित तौर पर वहाँ कमाई करने के लिए कोई साधन खोजेगा,
और उसे जो सबसे आसान व्यवस्था और कमाई की दिखाई देगी वो नरेगा मनरेगा योजनाएं होंगी, उस पर भी सरकार की योजना पर दबाव पड़ेगा। उस सरकार की योजना पे कम से कम 25% एडिशनल उनको बजट एलोकेट करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि ये सारे लोग जितने भी माइग्रेंट होकर के आ रहे हैं और ये सब नरेगा मनरेगा इसी योजना में इनको रोजगार मिले, क्योंकि अगर गांव में अगर पहले से रोजगार होता तो ये वहां जाते ही क्यों शहरों के, तो उसके ऊपर काफी दबाव पड़ेगा। और दूसरा, नरेगा मनरेगा में जो रोजगार है वो ऑलमोस्ट नॉन प्रोडक्टिव वर्क कराया जाता है जिसकी आज जरूरत नहीं है। नरेगा मनरेगा के ऊपर में निश्चित रूप से जो माइग्रेंट लेबर अपने गृह राज्यों में आ रही है उनके ऊपर में काफी इस योजना के ऊपर काफी दबाव पड़ेगा। इसमें जैसा कि सरकारी आंकड़े आ रहे हैं 30 लाख माइग्रेंट लेबर अपने गृह ग्राम को जाएंगे, तो उसमें हमारा ये मानना है कम से कम 10 से 15 लाख लेबर एडिशनल मनरेगा कार्य में लगेंगे। अच्छा, तो मनरेगा के ऊपर उस फंड के ऊपर में हमें उसका एलोकेशन सरकार को बढ़ाना पड़ेगा। साथ में चूंकि मनरेगा में हमें काम कराना है और उस अभी इमीडिएटली उस काम की हमको जरूरत नहीं है, वो उस कार्य की हमको 5 साल बाद जरूरत पड़े, क्योंकि हमको काम कराना है तो हमको कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, एक तो मजदूरी के लिए और दूसरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये एक एडिशनल बोझ मैं देख रहा हूँ सरकारों के ऊपर पड़ेगा। अच्छा। और इसके अलावा जहाँ से जिस राज्य से आ रहे हैं वहां पे तो उद्योग धंधे और निर्माण कार्य प्रभावित होंगे ही होंगे। बिल्कुल, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मजदूरों का जो रिवर्स माइग्रेशन है या जो पलायन है शहरों से गांवों की तरफ, वो आइंदा दिनों में हमारी इंडस्ट्रीज के लिए, हमारे कॉरपोरेट हाउसेस के लिए, हमारे बिजनेस के लिए और ओवरऑल हमारी अर्थव्यवस्था की साबित होगा? ये 100% इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को कम से कम ये 25% जो है हमारी अर्थव्यवस्था को डैमेज करेगा।